हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज की क्लास में हम फिर से डिस्कस करने वाले हैं यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन, क्लास 11th की केमिस्ट्री में। चलिए, तो लास्ट तक हमने बात की थी यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन के अंदर, कुछ एनसीईआरटी के बाद की यूनिट पढ़ी थी, एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट, एक्स्ट्रा टॉपिक फॉर नीट के लिए हमने पढ़ा था यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन, यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन, अनदर नेम इज कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। यूनिट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन के अंदर हम पढ़ा था कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स, एक एक्स्ट्रा टॉपिक पढ़ रहे थे हम नीट में। मेन हम पढ़ चुके हैं एनसीईआरटी की मोलारिटी, मोलालिटी, मोल फ्रैक्शन, परसेंटेज वेट बाई वेट, ये चार तो हम एनसीईआरटी में पढ़ चुके हैं। इसके अलावा जो एक्स्ट्रा टॉपिक है यूनिट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन का, उसके रिगार्डिंग हम बात करने वाले बच्चों। उसमें सबसे पहले मैंने बात की थी आपके साथ नॉर्मलिटी की, उसके बाद फॉर्मलिटी, ये एक्स्ट्रा है सर, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, या इसको ऐसा कह सकते हो परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, और परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, टीपीएम, ये जो यूनिट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन है वो अभी 11th में जो मोल कॉन्सेप्ट करके चैप्टर पढ़ रहे हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, उसमें तो नहीं दिया है टेक्स्ट बुक के अंदर आपके एनसीईआरटी में, लेकिन एक्स्ट्रा ये सब दे रखी है बातें। तो बच्चों, नॉर्मलिटी क्या होती है? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट डिसॉल्व इन यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आर टर्म्ड एज नॉर्मलिटी। एक यूनिट वॉल्यूम का सॉल्यूशन मीन्स एक लीटर का सॉल्यूशन आप प्रिपेयर कर रहे हो और उसके अंदर कितने ग्राम इक्विवेलेंट डिसॉल्व है, उसको हम क्या कहेंगे? नॉर्मलिटी कहेंगे। डेफिनेशन क्या होगी? नंबर ऑफ ग्राम इक्विलेंट डिजोल्व इन, ग्राम इक्विलेंट डिजोल्व इन 1 लीटर सॉल्यूशन या यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आर कॉल्ड नॉर्मलिटी। इसको हम क्या कहेंगे बच्चों? नॉर्मलिटी कहेंगे। कुछ फॉर्मूले मैंने आपको बताए थे नॉर्मलिटी के रिगार्डिंग। नंबर फर्स्ट, नॉर्मलिटी इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, फॉर्मूला नंबर वन। सेकंड में मैंने बात की थी नॉर्मलिटी इज इक्वल टू 1000 वेट ऑफ सॉल्यूट, इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट इंटू वी एन एल। थर्ड वन हमने जो बात की थी एन वन वी वन इज इक्वल टू एन टू वी टू। फोर्थ वन में बच्चों, जब दो सॉल्यूशन को मिक्सिंग करते हैं तो एन वन वी वन प्लस एन टू वी टू डिवाइड बाई वी वन प्लस वी टू इज इक्वल टू रिजल्टेंट नॉर्मलिटी। वेन मिक्सिंग ऑफ टू सॉल्यूशन then resultant normality n1 v1 plus n2 v2 divide by v1 plus v2। तो आपको यहां तक श्योर हो गया होगा नॉर्मलिटी के फॉर्मूले। अगर आपको एक बहुत एक्स्ट्रा अच्छा वाला क्वेश्चन आपको करवा दें, देख लेते हैं। आपको कहा कि 10% वेट बाय वेट, अच्छी प्रॉब्लम है, देखना एक बार सभी विद्यार्थी मित्रों, ऑल स्टूडेंट सॉल्व दिस प्रॉब्लम। 10% वेट बाय वेट, 10% ऑफ वेट बाय वेट, 10% वेट बाय वेट, H2SO4 सॉल्यूशन हैविंग डेंसिटी
हैविंग डेंसिटी 1.202 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, यू हैव टू कैलकुलेट फाइंड आउट द नॉर्मलिटी. फाइंड आउट द नॉर्मलिटी ऑफ सॉल्यूशन, नॉर्मलिटी ऑफ सॉल्यूशन. प्रॉब्लम आपके सामने है, 10% वेट टू वेट दिया है, मतलब 10% वेट बाय वेट का मतलब पहले हम पढ़ चुके हैं सॉल्यूट 10 ग्राम है, सॉल्वेंट 90 ग्राम है और पूरा सॉल्यूशन 100 ग्राम है. उस सॉल्यूशन की डेंसिटी 1.202 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब की है आपको, और आपको कह रहा है एग्जामिनर की इस सॉल्यूशन की नॉर्मलिटी निकालो. तो नॉर्मलिटी का 1, 2, 3, 4 फॉर्मूले हमने लास्ट चैप्टर तक पढ़े थे बच्चों. अब जब परसेंटेज वेट बाय वेट और डेंसिटी दी हो तो उसके लिए एक शॉर्टकट फॉर्मूला नंबर 5 जो एनसीईआरटी में आपको नहीं पढ़ाया जाएगा, एक्स्ट्रा है, शॉर्टकट कॉन्सेप्ट है, जरा हटके में देखना. नॉर्मलिटी का एक नया फॉर्मूला, परसेंटेज मास बाय मास या वेट बाय वेट इनटू डेंसिटी इनटू 10 डिवाइड बाय इक्विवेलेंट मास या इक्विवेलेंट वेट, एक एक्स्ट्रा फॉर्मूला है, जरा हटके, छोटा कॉन्सेप्ट, जरा हटके काम करेगा आपका फटाफट से. तो ये आप एक फॉर्मूला अलग से याद रखना, जरा हटके एक छोटा कॉन्सेप्ट है. जब भी आपको मास बाय मास परसेंटेज और डेंसिटी दी है और नॉर्मलिटी निकालनी है तो इक्विवेलेंट मास, मोलरिटी निकालनी है तो मोलर मास. अगर यहाँ पर मोलरिटी होती तो परसेंटेज वेट बाय वेट इंटू डेंसिटी इंटू 10 डिवाइड बाय मोलर वेट. Now you are familiar about equivalent weight and molar weight. What do you know about equivalent weight and molar weight? आप सबको पता है equivalent mass क्या होता है और molar mass क्या होता है. तो student यहाँ हम normality find out कर लेते हैं. Percentage weight by weight is given to you in problem. 10% right now 10 and then density is also given to you in problem. 1.202 right now 1.202 इंटू 10 डिवाइड बाई इक्विवेलेंट वेट. H2SO4 का इक्विवेलेंट वेट, हाइड्रोजन का मोलर मास 2, सल्फर का 32, ऑक्सीजन का 4 इंटू 16, 64 प्लस 32 प्लस 2 यानी कि 98 डिवाइड बाई वैलेंसी फैक्टर इज 2. तो एसिड का इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू मोलर वेट बाई वैलेंसी. हियर वैलेंसी इज 2, तो 98 बाई 2 यानी कि 49. सो दैट्स ऑल, यहाँ से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी. बहुत आसान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बच्चों, कर लीजिए इसको. 10% इंटू 1 इंटू 1.202 इज इक्वल टू डिवाइड बाय 49 इज द मोलर मास ऑफ एस्ट्रेस ऑफ 2.45 नॉर्मल सॉल्यूशन. दैट्स ऑल. इसमें ग्राम इक्विवेलेंट कैलकुलेट, ये तो आपका सॉल्व हो गया, ये वाला प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, ये इसका सॉल्यूशन है, देख लो इसको अच्छे से बच्चों. नॉर्मलिटी में आपको ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालना है, वेट डिवाइड बाय इक्विवेलेंट वेट इनटू लीटर, या फिर इसी फॉर्मूले को आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हो, 1000 इनटू वेट ऑफ सॉल्यूट dml इनटू इक्विवेलेंट वेट. अगर कोई दो सॉल्यूशन दिए हैं और उनमें कोई एक चीज फाइंड आउट करनी है, नॉर्मलिटी और ए वॉल्यूम, तो इज इक्वल टू n2v2. कोई दो सॉल्यूशन को मिक्सिंग कर रहा है तो n1v1 प्लस n2v2 डिवाइड बाय v1 प्लस v2 इज इक्वल टू n. अब जो इक्विवेलेंट बेस्ड प्रॉब्लम, काफी बच्चों को सर इक्विवेलेंट की क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं, काफी दिन से दिक्कत हो रही थी कुछ बच्चों को, उसके रिगार्डिंग हम कुछ थोड़े से ट्विस्टेड प्रॉब्लम करते हैं, जिसको मेरी लैंग्वेज में मैं कहता हूँ फाड़ू वाली प्रॉब्लम उठाते हैं हम, तो उसको हम सॉल्व करेंगे बच्चों. आई होप ये प्रॉब्लम आपको समझ में आई होगी, इसका सॉल्यूशन इस तरफ है और ये नॉर्मलिटी के फॉर्मूले हैं, लास्ट लेक्चर में भी हम पढ़ चुके थे. फॉर्मलिटी वेट बाय वेट, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम एंड वेट बाय वॉल्यूम एंड पीपीएम, ये अभी हम पढ़ने ही वाले हैं. तो पहले हम इक्विवेलेंट बेस्ड इसके ऊपर नॉर्मलिटी पे कुछ और थोड़ा ट्विस्टेड प्रॉब्लम करते हैं, थर्ड वाली प्रॉब्लम, ताकि आपके कॉन्सेप्ट और अच्छे से बन जाए. स्टूडेंट अच्छी वाली प्रॉब्लम बना लेते हैं दो चार.
लिखना एक क्वेश्चन बताऊं ताकि आपका और अच्छे से क्लियरिफाई हो जाए. हाउ मेनी ग्राम इक्विलेंट, क्वेश्चन नंबर टू. हाउ मेनी ग्राम इक्विलेंट, हाउ मेनी ग्राम इक्विलेंट ऑफ एस टू एस फोर ऑफ एस टू एस फोर, हाउ मेनी ग्राम इक्विलेंट ऑफ एस टू एस फोर आर प्रेजेंट इन एस टू एस फोर आर प्रेजेंट इन प्रेजेंट इन 200 ml ऑफ 200 ml ऑफ n by 10 S2SO4 सॉल्यूशन. देखो बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, एंट्रेंस लेवल का क्वेश्चन है, नीट लेवल का. बोर्ड अथवा एनसीईआरटी में इस तरह के क्वेश्चन बहुत कम रहते हैं. हाउ मेनी ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4 आर प्रेजेंट इन 200 ml ऑफ n by 10 H2SO4 सॉल्यूशन. n by 10 का मतलब मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया था, 1 by 10 means 0.1 नॉर्मल. आपको नॉर्मलिटी गिवन है H2SO4 के सॉल्यूशन की और उसके ग्राम इक्विवेलेंट कितने डिसॉल्व है, वॉल्यूम उसका आपको दे रखा है 200 ml. आपको एक फॉर्मूला पता है, आपको नॉर्मलिटी इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट इक्विवेलेंट पर लीटर. श्योर नॉर्मलिटी आपको दी है n by 10 मीन्स 1 by 10. बच्चों सॉल्व कर लीजिए, नॉर्मलिटी कितनी हो जाएगी 0.1. सीख गए होंगे आप, यहां पर आप नॉर्मलिटी की जगह रख लो 0.1 नॉर्मल दिया है. ग्राम इक्विवेलेंट आपको कैलकुलेट करना है, लीटर आपको दिया है 200 ml. ml को लीटर में बदल दो, आप जानते हो कन्वर्जन फैक्टर 1 liter इज इक्वल टू 1000 ml. तो यहाँ 200 ml में कितना लीटर, इसका इसके साथ डिवाइड बाय 1000, मतलब ये लीटर की जगह ये रख लो 200, इसका इसके साथ होगा तो 200 डिवाइड बाय 1000, वो 1000 ऊपर जाएगा. तो ग्राम इक्विवेलेंट आपको निकालना है. अब बच्चों आपको ये निकालना है ग्राम इक्विवेलेंट क्या होगा, इसका इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 1000. 0.1 मल्टीप्लाई बाय 200 डिवाइड बाय 1000, व्हाट यू गेट, यू गेट ग्राम इक्विवेलेंट. व्हाट इज दिस, दिस इज योर ग्राम इक्विवेलेंस. आई होप आपको समझ में आई होगी प्रॉब्लम, कितना ग्राम इक्विवेलेंट आ जाएगा, कितना ग्राम इक्विवेलेंट आ जाएगा बच्चों, सॉल्व कर लीजिए. 0.1 मल्टीप्लाई बाई 200 डिवाइड बाई 1000 यानी कि 0.02 ग्राम इक्विवेलेंट आपका आंसर हो जाएगा. ग्राम इक्विवेलेंट 0.02. अब प्रॉब्लम को थोड़ा रिवर्स किया है, नॉर्मलिटी आपको गिवन थी n by 10 means गिवन थी नॉर्मलिटी, वॉल्यूम आपको गिवन था, आपको निकालना था ग्राम. आई होप ये प्रॉब्लम आपको समझ में आई होगी. अगर इस प्रॉब्लम को आप, ये फॉर्मूला आपको अच्छा नहीं लगा, एक बच्चा कह रहा है सर मुझे नहीं समझ में आ रहा है, अपने पास बहुत सारे रास्ते हैं, सीधा आप इधर आइए, अल्टरनेटिवली चलिए, एक और रास्ते से चलिए. इसके लिए इसको मैं लिख रहा हूं अल्टरनेटिवली. हम इसको ऐसा भी कर सकते हैं बच्चों, क्या है फॉर्मूला नॉर्मलिटी का, नॉर्मलिटी इज इक्वल टू 1000 इंटू वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट इंटू VML. तो आप समझ रहे होंगे ये फॉर्मूले के अकॉर्डिंग टू n by 10 यानी कि 1 by 10 नॉर्मल,
मतलब पॉइंट वन नॉर्मलिटी आपको गिवन है 1000, वेट अपॉन इक्विलेंट वेट क्या होता है बच्चों, वेट डिवाइड बाय इक्विलेंट वेट इज इक्वल टू ग्राम इक्विलेंट। ग्राम इक्विलेंट का ये फॉर्मूला होता है बच्चों, जब भी आपको ग्राम इक्विलेंट पूछे तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना, वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय इक्विलेंट वेट, इट इज द फॉर्मूला ऑफ ग्राम इक्विलेंट। एक और फॉर्मूला जरा अटके में, वेट डिवाइड बाय इक्विलेंट वेट ये आपको कैलकुलेट करना है, और यहाँ पर आपको VML में दे रखा है कितना 200 ml, इसको कहेंगे वेट अपॉन इक्विलेंट वेट इज इक्वल टू ग्राम इक्विलेंट, जो कि आपको फाइंड आउट करना है, ये आपको फाइंड आउट करना है इसका इसके साथ रिलेशन डिवाइड बाय, तो आ जाएगा बच्चों ग्राम इक्विलेंट फाइंड आउट करना है, ग्राम इक्विलेंट इज इक्वल टू 1/10 इंटू 200 डिवाइड बाई 1000। देखो अब बहुत आसान हो जाएगा, 20 से 20 अभी बच जाएगा 2/100, 2/100 मीन्स ग्राम इक्विलेंट इज इक्वल टू 0.02। दैट्स ऑल, या तो ये मेथड कर लीजिए या नॉर्मलिटी का पूरा फॉर्मूला यूज कर लीजिए। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड बेस्ड ऑन नॉर्मलिटी। नाउ वन मोर इलस्ट्रेशन करते हैं हम कुछ मिक्सिंग के रिगार्डिंग, ताकि आपका ये कॉन्सेप्ट अच्छे से हो जाए, क्योंकि नॉर्मलिटी के क्वेश्चन आते ही है, इसको बेस्ट ढंग से हमको सीखना है बच्चों। प्रॉब्लम सॉल्व करो, कॉन्सेप्ट बनाओ और कॉन्सेप्ट पर ध्यान दो, ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम लगाओ। आई होप आपको सब कुछ समझ आएगा, कुछ बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं, सारे बच्चे अगर मेहनत करेंगे, प्रैक्टिस पे आप ध्यान देंगे, ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम करोगे, कोई भी मटेरियल सॉल्व करोगे तो आपको कॉन्सेप्ट बनेंगे, है ना। तो इस तरह की प्रॉब्लम लगाइए, अलग अलग प्रकार के क्वेश्चंस, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, एक और अच्छी वाली प्रॉब्लम कराते हैं आपको, फाड़ू वाली। मेरी लैंग्वेज में आपको फाड़ू बोलता हूँ, फाड़ू का मतलब थोड़ी ट्विस्टेड प्रॉब्लम होती है, हार्ड प्रॉब्लम होती है, ब्रेन स्टॉर्मिंग प्रॉब्लम होती है, माइंड को थोड़ा परेशान करती है बच्चों। 100 ml देसी नॉर्मल HCl, राइट नाउ क्वेश्चन, 100 ml देसी नॉर्मल। देखना एक नया कॉन्सेप्ट आया, देसी नॉर्मल मतलब नॉर्मलिटी आपको दी है बच्चों, देसी का मतलब 1/10, n/10 देसी, देसी नॉर्मल 100 ml देसी नॉर्मल। नई बात सीखने को मिलती, ध्यान देना, देसी नॉर्मल HCl, HCl का पूरा नाम हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज मिक्स्ड टू, HCl इज मिक्स्ड टू 100 ml, सॉरी मिक्स टू 100 ml सेमी नॉर्मल, मिक्स टू 100 ml सेमी नॉर्मल। ये एक नया और कॉन्सेप्ट आया, सेमी नॉर्मल। सेमी नॉर्मल का मतलब क्या होता है वो भी अभी आपको बता दूंगा मैं। सेमी मीन्स 1/2, डेसी मीन्स 1/10, n/10 मीन्स डेसी और सेमी मीन्स 1/2। ये बातें कुछ आपको दिमाग में रखनी होती है, आपको एक्स्ट्रा थिंकिंग रखनी पड़ती है कुछ चीजों की। सेमी नॉर्मल H2SO4 सॉल्यूशन, H2SO4 सॉल्यूशन, आपको क्या करना है, कैलकुलेट द नॉर्मलिटी ऑफ रिजल्टिंग मिक्सर, कैलकुलेट द नॉर्मलिटी ऑफ रिजल्टिंग मिक्सर। ध्यान देना स्टूडेंट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी है, हो सकता है आपको नीट के एग्जाम में सेम इसी प्रकार की प्रॉब्लम देखने को मिले। ज्यादातर जो मैं क्लास में पढ़ा तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चन सीधे देखने को मिलते हैं बच्चों को, जिसके बाद काफी स्टूडेंट रेस्पेक्ट देते हैं, बोलते भी अक्सर ये सीधा आ गया क्वेश्चन। इस तरह की प्रॉब्लम आपको कई बार मैं करा देता हूँ क्लास में, और हो सकता है वही आ जाती है क्वेश्चन सीधे के सीधे, क्योंकि अच्छे वाले क्वेश्चन होते हैं और अच्छे होते हैं, उनकी
सब जगह डिमांड होती है, तो अच्छा क्वेश्चन है, इसकी हर जगह डिमांड है, नेट के पेपर में भी इसकी डिमांड है, सत्ता नेट के पेपर में आपको देखने को मिले, जेडब्ल्यू के पेपर में देखने को मिले, 100 ml डीसी नॉर्मल, एससीएल इज मिक्स टू 100 ml सेमी नॉर्मल, डीसी मीन्स एन बाई 10, सेमी मीन्स एन बाई 2, H2SO4 solution. अब देखो एक और खास बात, HCl का वैलेंस फैक्टर, इस एसिड की बेसिसिटी 1 है और H2SO4 का वैलेंस फैक्टर 2 है, और इन दोनों सॉल्यूशन को मिक्सिंग कर रहे हैं, तो मैंने आपको बताया था रिजल्टिंग नॉर्मलिटी, दो सॉल्यूशन को मिक्सिंग करने पर नॉर्मलिटी की इक्वेशन आपको पता होगी, N1B1 प्लस N2B2 डिवाइड बाई N2V2 डिवाइड बाय V1 प्लस V2. आई होप आपको ये मिक्सिंग के टाइम ही फॉर्मूला यूज करना है, जब दो सॉल्यूशन को मिक्सिंग करते हैं तब रिजल्टेंट नॉर्मलिटी इज दिस. समझ गए होंगे आप. तो अब देखिए आप, N1V1 प्लस N2V2 इज इक्वल टू N. अब आपको पता है कि दोनों का इसका वॉल्यूम दिया है 100 ml और एक और सॉल्यूशन है उसका वॉल्यूम दिया है दूसरे का भी 100 ml, सेम वॉल्यूम है, तो 100 प्लस 100 टोटल वॉल्यूम कितना होगा, टोटल वॉल्यूम V1 प्लस V2, इसको मैं V1 प्लस V2 कहूँ या रिजल्टेंट वॉल्यूम NV कह दूँ यहाँ, तो ये हो जाएगा 100 प्लस 100 200 हो जाएगा, और यहाँ नॉर्मलिटी देख सी N बाई 10 मतलब 0.1 नॉर्मल इंटू वॉल्यूम 100, इसका 100 इंटू सेमी मीन्स 1/2, 1/2 मीन्स 0.5, सेमी नॉर्मल 1/2 मीन्स 0.5 नॉर्मल, ये नॉर्मलिटी दी, और ये डेसी मीन्स 1/10 यानी कि 0.1 नॉर्मल. समझ गए होंगे आप, नॉर्मलिटी दोनों दी है, वॉल्यूम दोनों दिया है, रिजल्टेंट मिक्सर की नॉर्मलिटी आपको निकालनी, तो क्या आ जाएगा बच्चों, N1 रख लीजिए 0.1 N/10, या फिर 1/10 रखो या 0.1 रखो, इंटू V1 100 प्लस N2 कितना है बच्चों, 100 इंटू 0.5 डिवाइड बाय 100 प्लस 100 200 इज इक्वल टू रिजल्टेंट नॉर्मलिटी, 1/10 रखो कट जाएगा 10, और ये 1/2 रखो तो 50, 10 और 50 हो गया ऊपर का 60 डिवाइड बाय 200, देन रिजल्टेंट नॉर्मलिटी क्या आ जाएगी, 200 है तो रिजल्टेंट नॉर्मलिटी क्या आ जाएगी, 60/200 रिजल्टेंट नॉर्मलिटी क्या आ जाएगी, 0 से 0 का 6/20 यानी कि 0.03 नॉर्मल, दैट्स ऑल, इस तरह से 0.3 नॉर्मल, सॉरी 0.60/200. आई होप आपको समझ में आई होगी ये प्रॉब्लम, दो सॉल्यूशन है, दोनों एसिड है, HCl भी एसिड है, H2SO4 भी एसिड है, दोनों की नॉर्मलिटी दी है, दोनों की वॉल्यूम दी है, दोनों को मिक्सिंग करते हैं, तो मैंने कहा था मिक्सिंग के टाइम N1V1 प्लस N2V2 इक्वल टू V1 प्लस V2 मिक्सिंग के टाइम वैल्यू पुट करो, दैट्स. चलिए अब आपको समझ में आ गया होगा सेमी नॉर्मल देसी नॉर्मल इनका कॉन्सेप्ट भी, डेसी मीन्स एन बाई 10, सेमी मीन्स एन बाई 2. अच्छी क्वेश्चन है, नोट करना, देखना आगे बढ़ते हैं एक और प्रॉब्लम पे, कुछ पता ना चले तो मेरे को पूछ लियो बेटा, व्हाट्सएप पे पूछ लेना बच्चों, फिर से कह रहा हूं बिल्कुल शर्म मत करना, बेशर्म बन जाना. अपना नंबर लिख दे रहा हूं मैं, व्हाट्सएप पे आप कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हो, 7990543720 का आप
व्हाट्सएप करके कोई भी प्रॉब्लम है पूछना, सॉल्व कर दूंगा मैं। इस तरह की कोई दिक्कत आ रही है किसी क्वेश्चन को समझने में। एक और अच्छी वाली प्रॉब्लम लगाते बच्चों हम फिर से, क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा क्वेश्चन है, देखना इधर। 200 ml, देखो अब की बात थोड़ा अलग होगा। 200 ml n by 10, 200 ml n by 10 H2SO4 sulfuric acid is mixed into is mixed into 300 ml, mixed into 300 ml 300 ml NaOH N by 100 NaOH sodium hydroxide, calculate the normality of resulting mixture. Calculate the normality of resulting mixture. Calculate the normality of resulting mixture. अब देखना बच्चों, ये एसिड है, यहां समझने वाली बात है, नया कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेगा आपको। हियर एसिड है H2SO4 और ये NaOH बेस। एसिड और बेस को मिक्सिंग करते हैं तब आपको ध्यान रखना, पहले जो प्रॉब्लम कराई अभी मैंने, प्रॉब्लम नंबर 3 आपको, इससे पहले वाली, उसने दोनों एसिड एसिड को मिक्सिंग किया था तो दोनों को प्लस कर दिया था। अब क्या हो रहा है, एसिड और बेस को मिक्सिंग कर रहे हैं। बहुत समझने वाली बात है, ध्यान रखना बच्चों, अच्छे से ध्यान रख लीजिए। एसिड और बेस को मिक्सिंग कर रहे हैं तब क्या होगा, N1V1 - N2V2 / V1 + V2। समझ लो फिर से, रिजल्टेंट नॉर्मलिटी निकालनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, टोटल वॉल्यूम तो कितना है 200 + 300, V1 + V2, टोटल वॉल्यूम कितना हो गया 500। अब यहां 1/10 0.1 नॉर्मल H2SO4 है और यहां N/100 0.01 नॉर्मल। तो अब आप क्या करोगे, एसिड माइनस बेस, जब दोनों एसिड और बेस को मिक्सिंग करते हैं तो एक बात याद रखनी पड़ेगी आपको, केमिस्ट्री में कुछ चीजें आपको माइंड में रखनी पड़ती है, एक खास बात, ट्रिक्स है ये। क्या ट्रिक्स है बच्चों, ध्यान देना जरा हटके में। When mixing of acid and base, then एसिड और बेस को मिक्सिंग करते हैं तब क्या होता है, तो उस कंडीशन के अंदर बच्चों आपको क्या करना है, आपको एसिड माइनस बेस करना पड़ेगा। फिर से देख लो, एसिड माइनस बेस मतलब रिजल्टेंट नॉर्मलिटी N = V1 + V2 = N1V1, ये एसिड का माइनस N2V2। अब देखो N1 कितना है 1/10, N/10 यानी कि 0.1 N/10 नॉर्मल, ये इनटू वॉल्यूम इसका 200 ml माइनस N2 1/100 इनटू 300 और V1 + V2 200 + 300 = N रिजल्टेंट नॉर्मलिटी कितना आ जाएगा बच्चों, मतलब ये इसके नीचे V1 + V2 रख दो, यही फॉर्मूला हो जाएगा N = मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूं बच्चों, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, N = N1V1 - N2V2 / V1 + V2, यही फॉर्मूला है, ये एसिड माइनस बेस, ये इसी को मैं इस फॉर्म में लिखता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कर लीजिए इसको सॉल्व। एसिड कितना आ जाएगा बच्चों, एसिड का आ जाएगा, इसका पूरा डिफरेंस कितना आ जाएगा, सॉल्व कर लो, ये 20 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, मतलब
20 माइनस 3 इज इक्वल टू n इंटू 500। बच्चों कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 17 n डिवाइड बाय 500। तो 17/500 कितना आ जाएगा, 17/500 कर लीजिए, 17 डिवाइड बाय 500 0.034, बस दैट्स ऑल 0.034। समझ में आ गया होगा आपको ये वाली प्रॉब्लम। बच्चों देख लो यहां से, एसिड माइनस बेस, ये एसिड है इसकी कॉन्सेंट्रेशन माइनस ये बेस है पूरा, बेस को माइनस कर लो, N1V1 - N2V2, ये एसिड के लिए बेस के लिए अपॉन, इसको यहां से हटा देता हूं, चलो आपके लिए और आसान कर दूं मैं इसको, चलो ये बच्चों को समझ में नहीं आएगा ये, तो मैं इसको ऐसा कर देता हूं, N फॉर नॉर्मलिटी नॉर्मलिटी नॉर्मलिटी, अभी N1V1 - N2V2 अपॉन V1 + V2, क्लियर। तो यहाँ V1 + V2 कितना हो जाएगा, इस पूरे के अपॉन में आ जाएगा V1 + V2 यानी कि 500 500 ये 300 + 200 इन दोनों का सम 500। समझ में आया, फिर से देख लो, एसिड की नॉर्मलिटी माइनस बेस की नॉर्मलिटी, नॉर्मलिटी N1V1 - N2V2 अपॉन V1 + V2। जब कोई दो सॉल्यूशन को मिक्सिंग करते हैं दोनों एसिड हो तब रिजल्टेंट नॉर्मलिटी ये होगी N1V1 + N2V2 अपॉन V1 + V2। ये तो हुआ फॉर्मूला नंबर एक, जब एसिड एसिड को मिक्सिंग करते तब, जब एसिड बेस को मिक्स करेंगे तब फॉर्मूला क्या होगा, N=N1V1 - N2V2 अपॉन V1 + V2। तो ये वाला फॉर्मूला है वो यहां यूज किया है, एसिड माइनस बेस रिजल्टेंट नॉर्मलिटी N1V1 - N2V2 अपॉन V1 + V2। तो यहां N/10 N1V1 - N2V2 अपॉन V1 + V2, ये टोटल कितना है 500। अब यहां इन दोनों को सम किया, ये आया 20 ये आया 3, तो ये 17 - 500 0.03। ये इस प्रकार की प्रॉब्लम आपको जाननी होगी, करनी होगी, समझनी होगी, सीखनी होगी। समझ गए होंगे बच्चों, आपको एक क्वेश्चन समझ में आया होगा ये अच्छे से। देखना अब दो तीन क्वेश्चन मैं आपको घर पे करने के लिए दे रहा हूं, बार करके दिखाना मुझे, है ना। क्लियर है, नॉर्मलिटी मोलारिटी मोलालिटी मोल फ्रैक्शन मैन, आप क्या पढ़ने वाले यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन है, नॉर्मलिटी मोलारिटी मोलालिटी मोल फ्रैक्शन और परसेंटेज वेट बाय वेट, ये इतनी यूनिट आप पढ़ चुके हो अभी तक बच्चों, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है यही है, बाकी क्या बच गई, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम वेट बाय वॉल्यूम फॉर्मलिटी और पीपीएम, उनके बारे में मैं डिस्कस करने वाला हूं, लेकिन ये आपको मेन आनी चाहिए, ये मेन है। चलिए एक इसके ऊपर क्वेश्चन देता हूं मैं आपको, 100 ml ऑफ 1 NH2SO4 मिक्स्ड विद 100 ml ऑफ 1 NH सॉल्यूशंस, द रिजल्टिंग सॉल्यूशन विल बी, नॉर्मलिटी ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन विल बी। चलिए होमवर्क में एक आध क्वेश्चन तुम्हारे सामने रख लेता हूं, देखना बच्चों फिर से, ट्राई करना आप इस तरह की प्रॉब्लम जो नीट लेवल की है। चलिए लिखिए पहला प्रॉब्लम होमवर्क में, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, लिखना इफ 100 ml ऑफ इफ 100 ml ऑफ 100 ml ऑफ वन नॉर्मल
H2SO4 is mixed with H2SO4 is mixed with 100 ml of 100 ml of 1 m बोले तो मोलर 1 m NaOH सॉल्यूशन NaOH सॉल्यूशन कैलकुलेट द नॉर्मलिटी ऑफ रिजल्टिंग द रिजल्टिंग सॉल्यूशन विल बी द रिजल्टिंग सॉल्यूशन विल बी देखो एक की नॉर्मलिटी दी है एक की मोलरिटी दी है वॉल्यूम दोनों में दिया है बच्चों नॉर्मलिटी और मोलरिटी में क्या रिलेशन होता है आपको रिजल्टिंग सॉल्यूशन की क्या निकालनी है रिजल्टिंग सॉल्यूशन की मोलरिटी निकालनी है द रिजल्टिंग सॉल्यूशन विल बी द मोलरिटी ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन विल बी द मोलरिटी ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन विल बी रिजल्टिंग सॉल्यूशन की मोलरिटी क्या होगी तो जिस प्रकार आप दो सॉल्यूशन को मिक्सिंग करते हो और नॉर्मलिटी के लिए लगाते हो जैसे नॉर्मलिटी में मिक्सिंग इक्वेशन मैंने आपको बताई थी N1V1 plus N2V2 divided by V1 plus V2 जब एसिड एसिड हो तब यहाँ पर एसिड और बेस है तो इसके लिए आ जाएगा माइनस ठीक वैसे ही मोलरिटी में भी सेम लग जाएगी जब मिक्सिंग करते हैं और मोलरिटी निकालनी है तो M1V1 माइनस M2V2 डिवाइड बाय V1 प्लस V2 यहां पर आपको क्या निकालनी है बच्चों रिजल्टिंग सॉल्यूशन की मोलरिटी निकालनी है अच्छा वाला क्वेश्चन है अब नॉर्मलिटी और मोलरिटी में क्या रिलेशन है वो रिलेशन आप प्रोवाइड करो क्या रिलेशन होता है नॉर्मलिटी और मोलरिटी में आप जानते हो नॉर्मलिटी में क्या लेते हैं इक्विवेलेंट वेट और मोलरिटी में क्या लेते हैं मोलर वेट तो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन नॉर्मलिटी एंड मोलरिटी और फिर ये मोलरिटी की इक्वेशन इस वाली प्रॉब्लम में लगाओ और रिजल्टिंग सॉल्यूशन की मोलरिटी कैलकुलेट करो तो बच्चों नॉर्मलिटी और मोलरिटी में जो रिलेशन है वो है नॉर्मलिटी इज इक्वल टू वैलेंस फैक्टर इनटू मोलरिटी समझ में आ रही है बात आपको तो मोलरिटी और नॉर्मलिटी किस तरह से रिलेटिव हो जाएगी एक दूसरे से उसमें आप मोलरिटी की इक्वेशन निकाल लगा लो यहाँ पर ठीक है ये एक हिंट दिया है मैंने आपको दूसरा एक और प्रॉब्लम आपको देता हूं लिखो ए 5 m सॉल्यूशन ऑफ H2SO4 इज डाइल्यूटेड फ्रॉम 1 लीटर चलिए आज का टाइम समाप्त हो गया आप ये क्वेश्चन करना नहीं पता चले तो मुझे व्हाट्सएप पे पूछना आज के लिए एक ही क्वेश्चन रखते हैं आपके सामने थैंक यू स्टूडेंट आज की बात यही समाप्त करते हैं फिर मिलता हूँ ओके कल मिलते हैं फिर से